वेलकम बैक गाइस, हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो विक्की कौशल की कॉमेडी फिल्म गोविंदा नाम मेरा हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है। देशभक्ति से भरपूर स्टोरीज और सीरियस करेक्टरों में अपनी अट्रैक्टिव एक्टिंग दिखाने के बाद अब विक्की एक कॉमेडी फिल्म में अपना कमाल दिखा रहे हैं। विक्की के साथ इस फिल्म में भूमि पेडनेकर और कियारा आडवाणी भी नज़र आ रहे हैं। तो गुरु, अगर फिल्म देखने का प्लान बना रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। गोविंदा नाम मेरा स्टोरी है एक कोरियोग्राफर की, जिस पर उनकी ही पत्नी की हत्या का आरोप लगाया जाता है। इस क्राइम में उनकी गर्लफ्रेंड भी उनके साथ हैं। प्रॉपर्टीज और फैमिली डिस्प्यूट से जुड़ा बीवी बाहर वाली के चक्कर में बुरी तरह से उलझा हुआ एक पति बीमार माँ की परेशानी के बीच एक मजेदार कॉमेडी देखने को मिलती है। गोविंदा वाघमारे एक बेचारा पति है जिसे उसकी पत्नी खूब ब्लैकमेल करती है। गोविंदा का एक सौतेला भाई है जो उनका घर अपने नाम करना चाहता है। गौरी वाघमारे अपनी पति की स्थिति का फायदा उठाती है। गोविंदा की जिंदगी में सुकू भी शामिल है जो उनकी गर्लफ्रेंड है। सुकू गोविंदा से शादी करना चाहती है लेकिन वो अपनी बीवी और बीमार माँ के बीच उलझा हुआ है। हालांकि इस कहानी में जो करेक्टर जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। जगह जगह पर दिलचस्प खुलासे होते रहते हैं। फिल्म में विक्की कौशल और कियारा आडवाणी की केमिस्ट्री बहुत ही शानदार नजर आ रही है और रणबीर कपूर का कैमियो भी काफी मजेदार है। भूमि पेडनेकर ने एक बार फिर गौरी के करेक्टर में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया है। फिल्म के डायलॉग, गाने और सिनेमेटोग्राफी पर भी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से काम किया गया है। मूवी की स्टोरी कई जगह पर प्रेडिक्टेबल हो जाती है, यही वजह है कि कुछ मोड़ पर बोरिंग लगती है। लेकिन अगर आप एक अच्छी मसाला एंटरटेनमेंट, भरपूर कॉमेडी, स्वादानुसार रोमांस, चुटकी भर सस्पेंस और ड्रामा वाली फिल्म देखना चाहते हैं तो एक बार यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। अगर आप ये मूवी देख चुके हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।